बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 5, यूनिट नंबर 3, द प्लांट वर्ल्ड। लास्ट हमने लेक्चर नंबर 4 पे हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, लीव्स, रूट्स, स्टेम और फ्लावर्स, उसके फंक्शंस पढ़े थे। क्या क्या फंक्शंस होते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के, आज हम पढ़ेंगे प्लांट प्रोसेस। प्लांट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, दे आर फोर मेन प्रोसेसेस। प्लांट्स के अंदर फोर मेन प्रोसेस होते हैं डैट इनेबल प्लांट्स टू, जो कि ज़रूरी होते हैं एनिमल को सर्वाइव करने के लिए, उसके अलावा ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस अपने जैसा एक और प्लांट बनाने के लिए। उनको कौन कौन से जो उनके प्रोसेस होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, वो हैं सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें प्लांट जो है अपना फूड खुद तैयार करता है और ग्रो करता है। उसके बाद ट्रांसपिरेशंस होती हैं, ट्रांसपिरेशन जो होती हैं वो कि प्लांट को कूल रखने में हेल्प करती हैं, जिसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए प्लांट जो है हमें ठंडा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अक्सर हम प्लांट्स के पास जाके बैठे हैं, ट्रीज़ के पास जाके बैठते हैं, उनके नीचे बैठते हैं, तो हमें वहाँ पर ठंडक का एहसास होता है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली एवेपोरेशन हो रही होती है, वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स हमें ठंडे नज़र आते हैं। अगर हम प्लांट्स को गर्मियों में हाथ लगाएं तो हमें वो ठंडे महसूस होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रही होती हैं, एवेपोरेशन हो रही होती हैं, जो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, इस वजह से हमें वहाँ पर ठंडक का एहसास होता है। प्लांट जो है बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, इस वजह से हमें कहा जाता है कि हम आसपास प्लांट ग्रो करवाएं, ट्री ग्रो करवाएं, प्लांट्स को कट ना करें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। प्लांट से हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। प्लांट से हम सबसे ज़्यादा जो 1/3 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन का है वर्ल्ड के ऊपर, वो हम प्लांट से ही हासिल करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि वाटर और मिनरल किस तरह से ग्रो करवाते हैं प्लांट्स को, किस तरह से इनकी मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में, उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जिसके ज़रिए वाटर जो है वो रूट से वो उनके फ्लावर्स और उनकी शूट्स और डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में मदद कर रहा होता है। किस तरह से प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो किस तरह से मूव कर रहा होता है, वो हम ट्रांसपोर्टेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें मेल और फीमेल आते हैं, और इसमें न्यू प्लांट्स कैसे बनता है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिससे हम न्यू प्लांट्स बना रहे होते हैं, वो हम रिप्रोडक्शन में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इस तरह से न्यू बेबी प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 5, यूनिट नंबर 3, द प्लांट वर्ल्ड। प्लांट वर्ल्ड में हम प्लांट प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने सबसे पहले जो हमने पढ़े थे प्लांट्स के फोर मेन प्रोसेस थे, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और रिप्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में भी बताया था कि प्लांट जिसमें जिसके ज़रिए फूड तैयार करता है वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसमें वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के साथ मिलके अपना फूड तैयार करता है लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर उसका फूड जो तैयार किया जाता है। इस तरह से हम आज ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे। इस ट्रांसपिरेशन भी जो है वो लीव्स के अंदर ही होती है। ट्रांसपिरेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है, जैसे कि ह्यूमन जो हैं वो सांस लेते हैं, उनके अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। इस तरह से प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनको ज़रूरत होती है। जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनके अंदर हो रहा होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ही इनके अंदर ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिनके ज़रिए ये अपना सांस लेने का प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट्स का सांस लेने का, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में विद इन द लीव्स होते हैं, चूँकि ये लीव्स के अंदर हो रहे होते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वाटर एवेपोरेटिंग फ्रॉम अ प्लांट, दिस अकर थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन जो होती है वो चूँकि फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रही होती है, तो ये आपको ओपन स्टोमेटा नज़र आ रहा है। स्टोमेटा बेसिकली एक होल्स होते हैं प्लांट का, जो लीव होता है उसके ऊपर आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर है और स्टोमेटा का, जो क्या होता है प्लांट्स के ऊपर वाली साइड पे, आउटसाइड पे आपको नज़र आता है। तो बेसिकली जब प्लांट फूड तैयार कर रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है, जो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उस दौरान जो स्टोमेटा सेल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये आपको ओपन सेल्स नज़र आ रहे हैं, होल्स, ओपन
ओपन स्टोमेटा, जो प्लांट का स्टोमेटा होगा वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे वेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वेपोरेशन में क्या होता है, जो प्लांट सॉइल से जो वाटर कलेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि जब प्लांट जो फूड बना रहा होता है तो अपना तो फूड तो तैयार करता है, लेकिन उससे साथ साथ ऑक्सीजन भी तैयार कर रहा होता है। जो ऑक्सीजन तैयार कर रहा होता है प्लांट्स, वो ये ओपन स्टोमेटा के ज़रिए तैयार करता है, जिससे क्या होता है, जब जो प्लांट का जो वाटर होता है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। जब ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये हमें वाटर वेपर्स में, वाटर जो होता है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर्स को जो हम देखें तो वो ट्यूब केमिकल से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और वाटर। जब ये एवेपोरेट होता है, जब ये एयर में जाता है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही वजह है कि हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिल रही होती है। तो ये प्रोसेस जो होता है एवेपोरेशन के ज़रिए होता है, तो प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब ये एवेपोरेट होता है, ओपन स्टोमेटा, इनके अंदर पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, वो जब ओपन होते हैं तो यहाँ से एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और हमें जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड और ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए मिलती है। जो प्लांट जो है वो एक्सहेल करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, जो कि हमें ठंडक प्रोवाइड करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो इनका इसके अंदर होता है, सांस लेने का अमल वो स्टोमेटा के ज़रिए होता है। ह्यूमंस के अंदर लंग्स के ज़रिए होता है, तो इनके अंदर स्टोमेटा होते हैं जिनके ज़रिए ये इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं। इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उनको एयर से मिलती है, और ये एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है जो हमने आज पढ़ा लेक्चर नंबर 5 में।